नमस्कार दोस्तों, SRS एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं बॉलीवुड मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अपडेट को लेकर। इसमें हम बात करेंगे लास्ट 6 से 7 मूवी के हिट और फ्लॉप की कैटेगरी को लेकर, उनके बजट को लेकर और मूवी का लेटेस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है, उस बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वॉर मूवी के बारे में। वॉर ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की मूवी है। वॉर ने वर्ल्ड वाइड 471 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और इन इंडिया नेट इस मूवी ने 317.77 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। टोटल ग्रॉस इन इंडिया 375 करोड़ का है। 96 करोड़ ओवरसीज में इसका कलेक्शन आया है। इस मूवी का लगभग जो बजट आका जा रहा है लगभग 150 करोड़ के आसपास है। 2 अक्टूबर को रिलीज़ हुई थी यह मूवी और लगभग यह मूवी अभी तक ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, तो श्योर शॉट ब्लॉकबस्टर है। नेक्स्ट हम मूवी की बात करते हैं सांड की आंख के बारे में। सांड की आंख में काम कर रही हैं तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर। इस मूवी ने अभी तक 30.5 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है वर्ल्ड वाइड। नेट इन इंडिया इस मूवी ने 23.14 करोड़ का कलेक्शन किया है। ग्रॉस इन इंडिया 27.5 करोड़ का और ओवरसीज में इस मूवी ने 3 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया है। इस मूवी का बजट आका जा रहा है लगभग 20 करोड़ के आसपास और यह मूवी 25 अक्टूबर को रिलीज़ हुई थी और यह मूवी एवरेज साबित हुई है। बात करते हैं राजकुमार राव और मौनी रॉय की मूवी मेड इन चाइना के बारे में। इस मूवी ने अभी तक वर्ल्ड वाइड 16.2 करोड़ का कलेक्शन किया है। इन इंडिया नेट 12.3 करोड़ का, क्रॉस इन इंडिया 14.5 करोड़ और ओवरसीज में इस मूवी ने 1.7 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया है। लगभग मूवी 25 करोड़ के बजट में बनी है और 25 अक्टूबर को रिलीज़ हुई थी मूवी दिवाली के दिन, लेकिन यह मूवी बजट क्रॉस नहीं कर पाई कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से और यह मूवी फ्लॉप हो चुकी है। बात करते हैं मल्टी स्टारर मूवी हाउसफुल 4 के बारे में, जिसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और बॉबी देओल ने काम किया है। इस मूवी ने लगभग अभी तक की मेरे अपडेट के हिसाब से 295 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा लिया है। 209.75 नेट इन इंडिया का कलेक्शन है। 247 करोड़ इंडिया ग्रॉस का कलेक्शन है। 48 करोड़ ओवरसीज मार्केट से आया है। इस मूवी का बजट लगभग 175 करोड़ के आसपास है। मूवी 25 अक्टूबर यानी दिवाली के दिन रिलीज हुई थी और यह मूवी सुपरहिट हो चुकी है, तो अक्षय कुमार की बैक टू बैक मूवी 200 करोड़ का आंकड़ा टच करने लगी है। बात करते हैं मूवी उजड़ा चमन के बारे में। उजड़ा चमन ने वर्ल्ड वाइड 16.7 करोड़ और इन इंडिया नेट 12.86 करोड़, इंडिया ग्रॉस में 15.2 करोड़ के आसपास और ओवरसीज में 1.5 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया है। लगभग 20 करोड़ के आसपास का बजट है इस मूवी का। 1 नवंबर यानी कि 1 नवंबर को रिलीज़ हुई थी मूवी और यह मूवी फ्लॉप साबित हुई है। बात करते हैं आयुष्मान खुराना की मूवी बाला के बारे में। बाला 8 नवंबर को रिलीज़ हुई थी। लगभग वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने 152 करोड़ का कलेक्शन किया है। 109.07 के आसपास के का कलेक्शन इन इंडिया नेट हो चुका है। 127 करोड़ ग्रॉस इन इंडिया हुआ है। 25 करोड़ ओवरसीज मार्केट से आया है और 25 करोड़ के बजट दिखाया जा रहा है वेबसाइट्स में, कहीं कहीं 45 करोड़ भी दिखाया जा रहा है, तो जो भी सच हो, लेकिन यह मूवी सुपर हिट हो चुकी है। बात करते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवी मरजावा, जिसमें मेन विलन के रूप में हैं रितेश देशमुख। इस मूवी ने अभी तक वर्ल्ड वाइड 59.5 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। 45.02 करोड़ इन इंडिया नेट आया है इस मूवी का कलेक्शन। 53 करोड़ इंडिया ग्रॉस का कलेक्शन है। 6.5 करोड़ ओवरसीज मार्केट से आया है। ओवरऑल इस मूवी का जो बजट आका जा रहा है वो लगभग 50 करोड़ के आसपास है और यह मूवी 15 नवंबर को रिलीज़ हुई थी और यह मूवी एवरेज साबित हुई है। हाल ही में पता चला है इस मूवी के डायरेक्टर ने सभी को सक्सेस पार्टी भी दे चुके हैं। बात करते हैं मूवी पागलपंती के बारे में। पागलपंती मूवी का जो कलेक्शन है वो लगभग 44 करोड़ के आसपास है। दोस्तों, इस मूवी में जॉन अब्राहम, शरद अरशद वारसी और पुलकित सम्राट ने काम किया है। अनिल कपूर एज अ विलन
कॉमेडी मूवी है। इस मूवी ने इन इंडिया नेट 34.8 करोड़ का कलेक्शन किया है, 40 करोड़ इंडिया ग्रॉस में, ओवरसीज से 4 करोड़ का कलेक्शन आया है, अभी तक चल रही है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन मंगलमय हो, तब तक के लिए धन्यवाद।